हेलो गाइस, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है कि इस बार जो हाई स्कूल की परीक्षाएं हैं 16 फरवरी से स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है। तो ये जो आपका जो बढ़ा हुआ पार्ट है उसको हम लोग एक एक वीडियो में कवर करते चलेंगे और ये भी जानेंगे कि इसको पूरी तरीके से कैसे करेंगे ताकि हमको पूरे कम नंबर मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, पहले हमें ये सीखना है कि इसका पैटर्न क्या रहेगा और ये किन किन चीजों पर पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हमारे पास पहली जो हमारी है क्या है, शुल्क माफी है तो प्रार्थना प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। शुल्क माफी के लिए अपनी फीस को माफ करवाना है और प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, ठीक है। और देखो, जैसा भी आपको पैटर्न अच्छा लगे, जैसा आपको ऊपर सूट करे, आपको लगता है कि हमारे यहाँ ऐसा चलता है, हमारे वहां वैसा चलता है, उसी हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आपको पता है छोटी क्लासों में आप लोगों ने यूजी किया है क्या, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, ठीक है। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो डैश 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 दिया हुआ है, यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, अपने स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। जहां से आप लोग बिलोंग करते हैं, जो भी आपके स्कूल का नाम हो या जिस ब्रांच से आपका फॉर्म पड़ा हो उस स्कूल का नाम लिख सकते हैं, ठीक है। या जैसे हम बोल रहे हैं कि रमेश चंद्र अवस्थी इंटर कॉलेज मल्लावां, दो इधर मल्लावां के हैं तो मल्लावां का लिखना है, कानपुर के हैं तो कानपुर का लिखना है, जहां के भी हो वहां का लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मान्यवर, ठीक है, थोड़ा सा अलग शब्द का यूज करना है ताकि जो एग्जामिनर हो वो नंबर देने में जरा सा भी हिचकिचाए ना और आपको पूरे नंबर दे, ठीक है। तो यहां से चालू करेंगे, क्या हो जाएगा, निवेदन यह है कि मैं एक साधारण किसान परिवार से हूं, मतलब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं एक साधारण किसान के परिवार से हूं, ठीक है। मेरा पिताजी की मासिक जो आय है, जो मेरे पिताजी की मासिक आय है वो कितनी रुपए है, 4500 रुपए है। एक मेरा भाई और एक मेरी बहन भी है, मतलब भाई भी है और एक बहन भी है, जो स्कूल जाते हैं, ठीक है। दयनीय आर्थिक स्थिति मेरी पढ़ाई में बाधा बन रही है, मतलब मेरी जो आर्थिक स्थिति है वो मेरे लिए पढ़ाई में बाधा बन रही है। जैसे मेरे माता पिता का रहन सहन उसको देखते हुए हमको लगता है कि अगर हमारी स्कूल की तरफ से या विद्यालय की तरफ से शुल्क माफी कर दी जाए तो मैं पढ़ने में इच्छुक रहूंगा। तो यहाँ पे लिखा है हमारे पिताजी शुल्क शुल्क वहन करने में असमर्थ है, मतलब शुल्क हम जमा करने में क्या है, असमर्थ है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। पूरे वर्ष की जो शुल्क बनती है वो कितनी है, 7850 रुपए है, ठीक है। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ क्या, कि मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूँ कि मेरी जो संपूर्ण फीस है, पूरे साल की जो फीस है उसको माफ कर दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या याद रखना पड़ेगा कि मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मेरी जो संपूर्ण फीस है उसको माफ कर दिया जाए, आपकी महान कृपा होगी या महती कृपा होगी। और उसके बाद दिनांक में आप लोग वहां पर डेट ना डालना, ठीक है, XXYYZZ करके डाल देना। और आपका आज्ञाकारी शिष्य आभासा, अगर आप तो क्लास टेंथ में, क्लास टेंथ तो डाल नहीं डालना है, अगर आ है या बा है या सा है, जिस वर्ग से आप लोग करते हो उस वर्ग को कर देना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये आप लोगों को पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको एक बार नोट डाउन कर लेना, उसके बाद में हम लोग चलते हैं अगले वीडियो पे और